नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। तो एक खबर आजमगढ़ से है, जहां जिला पंचायत राज अधिकारी श्रीकांत दर्वे द्वारा पंचायत विभाग के कार्यालय का फीता काट करके उद्घाटन किया गया। आपको बता दें तो कार्यालय के विकास भवन में लोगों को मिठाइयां खिलाकर मुंह मीठा कराते हुए कार्यालय में 22 विकास खंड के सहायक विकास पंचायत अधिकारी की मौजूदगी में उद्घाटन किया गया। कार्यालय में जिसमें उपस्थित सहायक विकास अधिकारी पंचायत अमरजीत सिंह, जिलाध्यक्ष पंचायत संघ अनिल कुमार, जिला मंत्री, ग्राम पंचायत अधिकारी संघ, समस्त ADO पंचायत संजय श्रीवास्तव, अश्विन यादव, राम आशीष सिंह, अनिल श्रीवास्तव, ओंकारनाथ मिश्रा, जनार्दन सिंह, ओम प्रकाश सिंह, मिथिलेश राय, सुनील कुमार श्रीवास्तव, अनिल कुमार प्रभारी, सुरेश प्रजापति, श्रवण कुमार, नंदलाल सिंह, उमाकांत पाठक, पार्श्वनाथ यादव, चंद्रप्रकाश दुबे, सुनील मिश्रा, मनोज कुमार श्रीवास्तव, राम मिलन, सुभाष शर्मा, राम सिंह पटेल, सहायक बाबू, शुभम सिंह, अमित कुमार गुप्ता अकाउंटेंट, रवि सिंह, मनोज कुमार गुप्ता, सुरभि गुप्ता, ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ की तरफ से जिलाध्यक्ष CP यादव, जिला महामंत्री ओंकारनाथ, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष गुलाब चौरसिया, ब्लॉक अध्यक्ष रमेश कुमार यादव, इंद्रसेन यादव, विपिन कुमार चौबे, विपिन कनौजिया, रामानंद चौबे, धर्मेंद्र यादव, बबलू, कमलेश कुमार सहित लोग उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है जिला पंचायत राज अधिकारी ने, आप सुनिए। कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, क्या है? कार्यालय का उद्घाटन नहीं किया गया है, कार्यालय का थोड़ा सा कायाकल्प किया गया है और उसको कर सकते हैं कि थोड़ी सी सजावट की गई है। वो एक कार्य किया गया है क्योंकि बहुत दिनों से कार्यालय की स्थिति जो है, कमरे का रंग रोगन व अन्य चीज़ें ठीक नहीं थी, इसको ठीक करा दिया गया है। और भी कमियां उसको भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, साफ सफाई, ताकि एक अच्छा माहौल बने जिससे कि कार्मिकों द्वारा काम करने में मदद लग सके।